नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज हम बात करेंगे LIC के टर्म इंश्योरेंस प्लान नंबर 854, जिसे टेक टर्म प्लान नाम दिया हुआ है। इस प्लान को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, बट कैसे? इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि आप इस प्लान को कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों के सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि कई लोगों का ये सवाल है कि LIC के टेक टर्म प्लान में प्रीमियम कितना आता है। तो मैं उन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस प्लान का प्रीमियम उनको खुद पता चल जाएगा जब तक LIC की वेबसाइट से यह प्लान परचेस करने जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको प्रीमियम जानना है तो आप LIC की वेबसाइट पर जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना प्रीमियम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, LIC की वेबसाइट पे चलते हैं। LIC की वेबसाइट के लिए आपको टाइप करना होगा www.lsindia.in। ये LIC की वेबसाइट है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ LIC टेक टर्म प्लान, आपको इस पर क्लिक करना है। और LIC टेक टर्म प्लान में ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पेज खुलेगा। यहाँ पे कुछ प्लान के डिटेल दिए हुए हैं, प्लान एंड फीचर्स, फिर इसके बाद बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या है, इसका फैन FAQ जो भी क्वेश्चंस है वो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लान के बारे में। LIC टेक टर्म प्लान, जिसका यूनिक आईडी नंबर है 512N333V01, ये प्योर प्रोटेक्शन ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, क्लिक टू बाय ऑनलाइन, आप सीधा परचेस कर सकते हैं, या फिर ट्रैक लॉग इन विथ SSID। अगर आपने एक बार एसेस कर लिया है और उस टाइम आपने परचेस नहीं कर पाए तो आपको एक आईडी मिलेगी, उस आईडी से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिक टू बाय ऑनलाइन पे। जब आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे आपका नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सही डालना है, और आपका मोबाइल नंबर भी आपको सही डालना होगा, और ईमेल आईडी भी आपको सही डालना होगा। सिटी आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आपको फिल करके आई हियर वी पे आपको क्लिक करना होगा। तो ऑलरेडी मैंने इस पे एक आईडी बनाया हुआ है, तो आज मैं उस पे चलूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा। बैक करते हैं ट्रैक लॉगिन आईडी पे। मेरा SSID मैं डाल देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया, मुझे एक OTP आएगा, वो OTP मेरे को यहाँ पे फिल करना है। तो दोस्तों OTP आ गया है 7221। तो अगर आप देखेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और रेसिडेंट स्टेटस दिया हुआ है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जेंडर पूछा गया, अगर आप मेल हैं तो मेल आप पे क्लिक कीजिए, अगर फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कीजिए। सम एश्योर्ड मुझे 1 करोड़ का चाहिए था, इसलिए मैंने 1 करोड़ लिया हुआ है। इसमें नॉन स्मोकर कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए मैंने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप स्मोकिंग कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऑप्शन यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा। मुझे रेगुलर प्रीमियम चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे LIC ने 3 ऑप्शन दिया हुआ है, रेगुलर, लिमिटेड एंड सिंगल प्रीमियम। तो मैं पेमेंट मोड जो है मेरा, मैं ईयरली रखना चाहता हूँ, और जो पॉलिसी टर्म है वो 30 ईयर्स के लिए लेना चाहता हूँ। और जब 30 ईयर्स के लिए टर्म रखूंगा तो यहाँ पे मेरा जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 30 ईयर्स ही होगा। यहाँ पर डेथ सम एश्योर्ड ऑप्शन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अगर इस ऑप्शन के बारे में आप नहीं जानते तो मैंने एक ऑलरेडी इस प्लान पे वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, उस प्लान को देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। तो मैं लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन रखूंगा और मेरा डेट ऑफ प्रपोजल डेट रहेगा आज का 10/9/2019। यहाँ पे राइडर बेनिफिट में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर कि अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। जो एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर सम एश्योर्ड यहाँ पे मुझे 1 करोड़ का मैंने लिया हुआ है। अगर आप पुलिस या फिर नेवी में या फिर किसी नेवल फोर्स में हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो आप नो पे ही कंटिन्यू चले। तो चलिए देखते हैं मेरा प्रीमियम कितना आता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लान कोड दिया 854, पॉलिसी टर्म दिया 30 इयर्स, पेइंग टर्म 30 इयर्स, पेमेंट मोड ईयरली, रेसिडेंट स्टेटस इंडियन एंड डेट ऑफ बर्थ मेरी एज, मेरा जेंडर एंड कमेंसमेंट डेट एंड डेथ ऑफ डेथ सम एश्योर्ड ऑप्शन, मतलब लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। सम एश्योर्ड मेरा 1 करोड़ का, जिसका प्रीमियम आ रहा है 10,080 रुपीज, और एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड का जो प्रीमियम आ रहा है वो 5,000 रुपीज, मतलब टोटल अगर GST के साथ देखा जाए तो मुझे 17,794 रुपीज
पे करना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे लिखा है कॉपी डाटा फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी। अगर आपने एल आई सी की प्रीवियस पॉलिसी ली हुई है ईटर्म पॉलिसी, तो वही डेटा यहाँ पर इस प्लान में कॉपी कर दिया जाएगा। तो मैंने नहीं लिया हुआ है, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा और प्रोसीड करूंगा। दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन ई के वाई सी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, या तो फिर विदाउट ई के वाई सी के जाना चाहते हैं तो आप विदाउट ई के वाई सी के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं विदाउट ई के वाई सी के साथ में प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर मेरे से मेरा एड्रेस एंड नेम, फादर्स नेम, मेरा ईमेल आईडी, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस एंड रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में पूछा हुआ है, तो वो मैंने फिलअप कर दिया और मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, पैन नंबर, एज प्रूफ या मैरिटल स्टेटस, एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंट्री ऑफ रेसिडेंस, डेट ऑफ बर्थ, एज। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपका प्रीमियम कितना आएगा, आपका पॉलिसी टर्म कितना रहेगा, आपका सबमिशन कितना है, प्लान कौन सा है, आपका कमेंसमेंट डेट क्या है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल पूछा हुआ है, ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ ड्यूटी एंड सोर्स ऑफ इनकम, आपका कंपनी का नाम क्या है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, आपकी एनुअल इनकम क्या है। अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर में आप काम कर चुके हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि आप किस सेक्टर में काम किए हैं। यहाँ पे पहला सवाल पूछा, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसमें पहला सवाल पूछा कि आपने किसी एडवेंचर में या फिर पैराग्लाइडिंग में, पैराशूट में आपको इंटरेस्ट है, तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर यहाँ पे आपसे पूछा कि आपने 90 दिन के भीतर कहीं आप आउट्स ऑफ इंडिया के बाहर ट्रैवल किए हैं, तो यहाँ पे अगर आपने किया है यस, तो आपको यस करना होगा उसको, इसके लिए आपको पूरा डिटेल बताना होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया है तो मैं नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो कीजिए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या फिर सिविल ऑफेंस में आप इन्वेस्टिगेट हैं, तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो कीजिए। अगर आप जीएसटी एक्ट के अंडर आते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो कीजिए। यहाँ पर एलआईसी ने प्रीवियस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे हैं जो करंट प्रपोजल फॉर्म में काफ़ी महत्व रखता हुआ है। अगर आपने पॉलिसी ली हुई है पहले और उस पॉलिसी को लैप्स हो गया, या फिर आपने उसको रिटर्न किया हुआ है, या तो फिर आपका डिफर्ड हो गया, आपने विड्रॉ करा लिया है, या तो आपकी प्रीमियम जो लीन हो, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने भर के लिया हुआ है, इन्स रिगार्डिंग अगर आप कोई सवाल है या फिर आपने किया हुआ है, तो आपको ऑप्शन यस में क्लिक करना होगा, नहीं तो आप नो में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, मैं पहली बार टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एलआईसी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछ रही है, अगर 60 साल से पहले किसी मेरे फैमिली मेंबर को डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, किडनी फेलियर है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, या फिर एनजीज है, या उस डिजीज में अगर उसकी डेथ होती है, या तो फिर वो अभी करंट पोजीशन में है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा यस, अगर नहीं है तो आप नो पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एलआईसी कुछ हैबिट्स के बारे में पूछ रही है, जिसके लिए एलआईसी के लिए यहाँ पे लिखा है अल्कोहल ड्रिंकिंग, नार्कोटिक्स, एनी अदर ड्रग्स, टबैको इन एनी फॉर्म। तो मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन में सुटेबल नहीं हूँ, तो मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद आता है स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 175, हाइट है मेरा 77 kg, मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों यहाँ पर एलआईसी मेडिकल से रिलेटेड आपके हेल्थ के बारे में कुछ सवाल कर रही है, जिसमें उन्होंने सवाल किया हुआ है कि 5 साल से लेकर 2 साल के बीच, मतलब पिछले 5 साल के बीच में या 2 साल के बीच में अगर आपका एक्सीडेंट या इंजरी या फिर कोई अलाइनमेंट आया है, तो उसमें आप यस कर सकते हैं, या फिर आपको कोई एचआईवी एड्स रिलेटेड कोई रोग है, हेपेटाइटिस बी और सी, फिर जिसमें आपका ट्रीटमेंट चालू है, तो उसमें भी आप यस कर सकते हैं, या तो फिर नो कीजिए। अगर आप लास्ट कुछ 6 मंथ में अगर मोर देन 10 kg वेट लॉस्ट करते हैं, तो उसके भी उसमें भी आपको यस मेंशन करना होगा। मेडिकल हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर जिसे टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड कुछ सवाल हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो मैं यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। एलआईसी यहाँ पर पूछ रही है डेथ बेनिफिट पेमेंट डिटेल के बारे में। अगर इस ऑप्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस प्लान पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के भी पता कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा है या खराब है। तो मेरे लिए ये ऑप्शन अच्छा है, तो मैं इसके लिए यस करूंगा, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो
जो मेरा नॉमिनी रहेगा उसको 15 साल तक ये पैसा मिलता रहे। मैंने यहाँ पे सी एस सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए ये ऑप्शन आया हुआ है, तो मैं जो पीरियड है ऑप्शन डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट लेने का, तो मैं 15 साल करूंगा, फिर इंस्टॉलमेंट जो रहेगा वो फुल्ली पेमेंट हो, फिर उसके बाद मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है वो यहाँ पर मेरे नॉमिनी को मंथली मिले। तो दोस्तों यहाँ पर LIC ने मेरे से एक बैंक का डिटेल पूछा हुआ है मेरा, फिर उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल भी आपको भरना होगा। जो भी आपका नॉमिनी डिटेल होगा वो आप सही सही भरें, अगर आप सही भरेंगे तो ही नॉमिनी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1930 एड्स अमेंडेड बाय इंश्योरेंस लॉ एक्ट 2015 के हिसाब से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसे आप पढ़कर आप यहाँ पर एग्री कर सकते हैं। तो मैं एग्री करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप इतना प्रोसेस करने के बाद आप व्यू प्रपोजल भी कर सकते हैं, या तो अगर आप कुछ जानकारी गलत भरे हैं, आपको लगता है कि मैंने गलत भरा हुआ है, आप उसे चेक भी कर सकते हैं एडिट प्रपोजल में जाके, या तो फिर आप डायरेक्ट पेमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रीमियम आ रहा है मेरा 17,794 जो इंक्लूडिंग GST है, और यहाँ पर मैंने जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर क्लिक किया, फिर इसके बाद प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे LIC पूछ रही है कि आप पेमेंट किस तरह करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू डेबिट कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, या फिर NFT या फिर RTGS करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग या तो फिर आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस तरह से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा जहां से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.licinsure.in पर, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको इस पॉलिसी को लेते समय कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कि दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक करना न भूले। थैंक यू दोस्तों।